फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली प्रांगण में हिंदू मुस्लिम के त्योहार को शांतिपूर्वक मनाए जाने के लिए नगरवासियों की जन समस्याओं की जानकारी करते हुए नगर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर नगर पंचायत के चंद्रपाल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आप विशेष रूप से ध्यान देंगे और बिजली विभाग के इस अड्डियों को सराफा बाजार में झूलती हुई तारों को और खंभों में करंट उतरने की शिकायत पर सुधारने का काम करें। और हाईकोर्ट के फैसले को लेकर डीजे संचालक ने भी अपनी बात रखी तो खागा उपजिलाधिकारी विनय गुप्ता जी ने कहा कि डीजे नहीं बजेगा और कोई हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की कोशिश भी नहीं करेगा, नहीं उसके साथ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं डीजे एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप के सरवानी ने कहा कि केवल दो लोगों के स्वास्थ्य हानिकारक बताने से पूरे उत्तर प्रदेश के डीजे पर बैन लगा दिया है। हम भी कह रहे हैं कि शराब, गुटखा, सिगरेट क्या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इस पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? इस पर भी बैन लगाया जाए और हम बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। इस पीस कमेटी बैठक में दोनों धर्म के लोगों ने अपने अपने सुझाव दिया। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रकाश पांडे ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी त्योहार मनाए जाएंगे। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं अधिकारी और नगरवासी। एमपी न्यूजकास्ट ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से कैमरामैन सुमित के सरवानी के साथ। त्योहार के आरंभ ही आम जीवन में, आम दिनों में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है मेरे सीजी नंबर पर या मेरे पर्सनल नंबर पर, आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई समस्या है उसे शेयर कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई अवस्था है उसके निदान की हमें बिल्कुल जो है मौका दीजिए। हम आपके बीच में, आपके मोहल्ले में, आपकी सड़क में, आपकी चौराहे पर उपस्थित मिलेंगे। गणेश उत्सव में कितने लोग सुमित के सरवानी आप? हमारे यहाँ बनती है छोड़ के चला जाएगा वो, उसका नाम पता गाँव एड्रेस संजय कीजिए। लेकर जो आप लोग उनके मन में संशय है उस संशय आप लोग दूर कर दें। कार्यक्रम सारे होंगे, सारा त्योहार खुशी से मनाया जाएगा। आप लोग किसी तरह कोई मन में भ्रम न रखें। केवल हमें जो हाईकोर्ट का जो निर्णय आया हुआ है उसका अनुपालन करना है। ये मतलब नहीं है कि हम गणेश पूजा नहीं मनाएंगे, हम मोहर्रम नहीं मनाएंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे। अभी एसडीएम साहब ने अपने बातचीत में बिल्कुल साफ स्पष्ट किया उन्होंने कि इसको भी कोई संशय हो वो आके हमसे आपसे मिल ले। इस पे सबसे बड़ा प्रश्न किस दिन होगा? रात की बात करो, लोगों का नहीं उठाएगा उठाएंगे। जब हम रात को 10 तारीख की रात को उठाते हैं, 9 और 10 को उठाते हैं, तो कभी कभी किसी किसी इलाके में होता है कि किसी स्थान पर होता है। और हमारी दुर्गा जी, अरे भाई
महिलाओं को स्थान दे दीजिए। दो तीन कुछ पीछे से बांधा जाएगा जिससे कोई कुत्ता बिल्ली उसके अंदर घुस ना पाए। हमारे पास इतनी इतनी भेज दूंगा इसके साथ अपने 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 क्षेत्र में जो भी बिजली की तार है ताजे वाले रास्ते है सभी जेई को अभी आप लगाइए और वो उन त्याज्य जैसे मैं 15 साल के लाते हैं 15 साल के रास्ते